अगर आप भी हैं दाया बाया लेफ्ट राइट हैंड में कंफ्यूज तो आज के इस वीडियो को देख लीजिए। जिंदगी भर गारंटी के साथ कहता हूँ, जिंदगी भर आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि मेरा लेफ्ट राइट लेफ्ट हाथ कौन सा है और राइट हाथ कौन सा है और दाया हाथ कौन सा है और बाया हाथ कौन सा है। मैं आज आपको दो ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप जिंदगी में कभी भी इन चीज़ों को भूल नहीं पाएंगे और हमेशा आपको याद रहेगा। कोई अगर लेफ्ट कहेगा तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि मेरा लेफ्ट हाथ मेरा लेफ्ट हैंड कौन सा है और राइट कहते ही तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि मेरा राइट हैंड कौन सा है और दाएं बाएं में कंफ्यूज है तो वो भी आज के इस वीडियो में क्लियर करूंगा। वैसे मेरे चैनल पर इससे रिलेटेड पहले मैंने दो वीडियोस पब्लिश कर दिए हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा और कई लोगों को उसमें वो सारी चीज़ें समझ में भी आई। तो कुछ एक लोग थे जिन्होंने कमेंट किया कि भाई ऐसा नहीं होता है, तो मैं आज उनको फिर से बताने वाला हूँ। और जिन लोगों को भी जितने भी लोग कंफ्यूज हैं इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देखना, आपको समझ में आएगा। कोई बड़ा वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ। चलिए तो अब शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो सबसे पहले हम दाएं और बाएं से ही शुरू करते हैं, फिर हम लेफ्ट एंड राइट में जाएंगे। तो अब सबसे पहले देखो दाया और बाया दो शब्द हैं। इन दोनों शब्दों को अगर आप गौर से एक बार समझेंगे तो आपको इन दोनों शब्दों से ही पता चल जाएगा कि दाया और बाया में फ़र्क क्या है। ठीक है, मैं सबसे पहले बाया दाया। अब देखो एक छोटी सी ट्रिक है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो अपने दोनों हाथों को इस तरीके से कीजिए। अब कैसे हैं हाथ मैं फोटो भी लगा दूंगा, ठीक है होगा। तो नहीं तो आप देखो ऐसे करते ना कि शानदार यार, किसी को बोलता ना शानदार, तो ऐसे ही आपको हाथ करने, लेकिन अंगुलियां इस तरीके से खुली नहीं रखनी, ऐसे कर देनी है। ठीक है, एकदम इस तरीके से आप देख रहे हो, तो ऐसे अंगुलियां करनी है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है अपने हाथों में, ठीक है मैं आपको बता दूँ। छोटी ए बी सी डी का बी बन रहा है इस हाथ में, ठीक है। अगर आप देखेंगे इस तरीके से तो छोटी ए बी सी डी का बी बन रहा है और इस हाथ में छोटी ए बी सी डी का डी बन रहा है। अगर पढ़े लिखे होंगे तो आपको पता होगा। तो आप देखो B का मतलब है बाया, यानी कि मेरा ये हाथ है ये बाया है और इधर D बन रहा है मतलब दाया। B का मतलब बाया, D का मतलब दाया। कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब एक और छोटी सी ट्रिक दे देता हूँ जो कि नॉर्मली हम सभी लोग, ठीक है, अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं इस चीज़ को। मतलब बाया हाथ कौन सा है, कई बार हम बोलते ना अचानक बोल देता कोई कि बाया हाथ कौन सा है, ठीक है, तो हम बता सकते हैं ये हाथ है क्योंकि हमें पता चल रहा है कि बी साथ में। लेकिन एक छोटी सी ट्रिक देता हूँ, कई लोग कहते हैं कि दाया हाथ कौन सा है, तो उनको सिंपली हमारे दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि जिस हाथ से हम दही खाते हैं वो दाया हाथ है, दही दाया, ठीक है। कन्फ्यूजन और क्लियर हो रही होगी, मुझे पता है वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग आपको लग रहा होगा क्योंकि ट्रिक है वो कुछ इसी तरीके की है, तो इंटरेस्टिंग तो लगना ही है। जिस हाथ से दही खाते हैं इसी हाथ से सभी दही खाते हैं, तो ये हाथ दाया है, ठीक है, दाया। जिस हाथ से दही खाते हैं वो दाया हाथ है। देखो ज़्यादातर तो मुझे पता है दही पिया जाता है, लेकिन हमारे राजस्थान में विशेष रूप से दही को खाया जाता है रोटी के साथ में, तो हम इसको खाते हैं, ठीक है। जिस हाथ से दही खाते हैं वो दाया हाथ है, बाकी बाया हाथ। चलिए अब लेफ्ट राइट की बात करते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि लेफ्ट राइट हाथ कौन सा होता है, कैसे पता करें, तो इसकी भी एक ईजी ट्रिक है। आप अपने हाथों को ऐसे कर दीजिए, अंगूठों को ऐसे रखिए, देखिए इस तरीके से आप देख रहे हो, तो इस तरीके से कर दीजिए दोनों हाथों को अपने सामने। जिस हाथ पे सही, ठीक है, उल्टा एल नहीं बोल रहा हूँ, जिस हाथ पे सही एल बन रहा है, मेरे इस हाथ पे सही एल बन रहा है, एल बन रहा है मतलब लेफ्ट राइट। देखो कन्फ्यूजन मुझे पता है दूर हो रही होगी क्योंकि ये ट्रिक कुछ ऐसी ही है और इन्हीं ट्रिक के माध्यम से मैंने 7 से 8 लाख लोगों को इस ट्रिक के माध्यम से लेफ्ट एंड राइट हाथ का जो कन्फ्यूजन है उसको दूर किया है, ठीक है। तो इस हाथ में एल बन रहा है, एक बार करके देखिए, खुद कीजिए वीडियो, मोबाइल को थोड़ा दूर रखिए और करके देखिए ऐसे हाथों को। इस हाथ में एल बन रहा है यानी कि ये है लेफ्ट हाथ और इस हाथ में भी एल बन रहा है। अब बहुत सारे लोग जो कमेंट कर रहे थे उस वीडियो के नीचे, 7 से 8 लाख लोगों को मैंने सिखाया, उसमें लोग बोले इसमें भी एल बन रहा है। मैं आपको बता दूँ थोड़े बहुत भी अगर कोई लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग वैसे पढ़े लिखे हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते तो उनको लगता है कि ये भी तो एल ही बन रहा है, लेकिन ये उल्टा एल है, समझो इन चीज़ों को। उल्टा एल है मतलब ये राइट हाथ है, उल्टे एल वाले हाथ को छोड़ दीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। सिर्फ इस हाथ पे अगर सही एल बन रहा है, सीधा एल, ठीक है, उल्टा नहीं सीधा एल बन रहा है, मतलब ये हाथ लेफ्ट है, तो बाकी अपने आप दूसरा राइट हो गया, ठीक है। तो ये जो कन्फ्यूजन है ना ये दूर हो गई होगी। पहले तो ऐसे कीजिए, इसमें बी बन रहा है बाया, इसमें डी बन रहा है दाया, ठीक है, और दही खाते हैं उस हाथ को दाया भी बोला जाता है। ऐसे कीजिए हाथों को, एल सही बन रहा है लेफ्ट हाथ है, बाकी राइट हाथ है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन, उम्मीद है आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई होगी, मुझे पता है। लेकिन वीडियो मुझे बड़ा नहीं बनाना है तो वीडियो को आज बस इतना यहीं पे ख़त्म करेंगे। बाकी हमारी ज़्यादातर जो वीडियोस होती हैं वो यूट्यूब से रिलेटेड ही होती हैं। अगर आप यूट्यूबर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी हम इस टाइप की वीडियोस कम ही अपने चैनल पर लाते हैं। सोचा कि बड़ी वीडियोस वायरल हो चुकी है, कुछ वीडियोस 7-8 लाख लोगों तक चली गई है,
तो सोचा कि इस चैनल पे इस टाइप की वीडियो एक और बना दी जाए और लोगों को लेफ्ट राइट और दाया बाया में जो कन्फ्यूजन है उसको एक ही वीडियो में क्लियर कर दिया जाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर यूट्यूब से रिलेटेड कॉन्टेंट चाहिए। तो मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।